तो गाइस मैं आपको ट्रेन्स की जर्नीस तो दिखाई रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक बस जर्नी, वो भी हरियाणा रोडवेज की। मतलब हरियाणा रोडवेज का नाम आता है तो स्पीड सबसे पहले दिमाग में आता है, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की जो स्पीड चलती है, हाई स्पीड एंड स्किल्ड बस ड्राइवर हरियाणा रोडवेज के, आज मैं आपको फुल एक्सपीरियंस दिखाने वाला हूँ। अभी मैं हूँ फिलहाल पानीपत के मेन बस स्टैंड पे, और यहाँ से अपन चलने वाले हैं देवभूमि हरिद्वार की ओर। काफ़ी आनंद भरी जर्नी होने वाली है, बस अपने काउंटर पे लग चुकी है, चलते हैं और आपको फुल नज़ारे दिखाते हैं रास्ते के, पानीपत टू हरिद्वार। तो गाइस बस में अपन चढ़ गए थे, लेकिन बस फुल लॉन भरी पड़ी थी, सीट मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं था। तो गाइस पानीपत अपन ने क्रॉस कर लिया था और हरिद्वार बजा था 150 किलोमीटर, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी इसलिए ड्राइवर साहब को बार बार प्यास भी लग रही थी। तो गाइस सफ़र का आनंद उठाते उठाते हमें यमुना जी के भी दर्शन हो गए, लेकिन मैं जो देख रहा था नदी का लेवल काफ़ी कम है, लेकिन हमने लेफ्ट साइड में देखा तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, इसलिए रिवर का लेवल कम है, मतलब नदी का लेवल कम है, लेकिन जो सफ़र का आनंद आ रहा है हरियाणा रोडवेज का, आय हाय गाइस स्वाद आ रहा है तगड़ा। इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब और चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस पानीपत से 1.5 घंटे का सफर करके अपन पहुंच चुके हैं शामली। यहां पे बस मेन बस स्टैंड पे नहीं जाएगी, बस सवारियों को उतारेगी और नई सवारियों को चढ़ाएगी और हरिद्वार की ओर, मतलब हरिद्वार की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो गाइस वैसे तो हरियाणा रोडवेज ओवरटेकिंग में एकदम माहिर है, लेकिन यहाँ हरियाणा रोडवेज फंस गई। अल्टो भी निकल गई लेकिन हरियाणा रोडवेज फंस गई, क्योंकि आगे आ गया था गन्ने से भरा हुआ ट्रैक्टर। भाई देखो फुल लोडेड ट्रक है, भाई ट्रैक्टर नहीं है, ट्रक है फुल लोडेड, और हरियाणा रोडवेज फुल ट्राई कर रही थी ओवरटेकिंग का, पर कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था, क्योंकि सिंगल लाइन थी और सामने से भी गाड़ियाँ आ रही थी, इसलिए कोई सवाल ही पैदा नहीं था। और रोड भी थोड़ा टूटा फूटा सा हो रहा था, और ये ओवरटेकिंग करने का ट्राई मारा लेकिन नाकामयाब रही हरियाणा रोडवेज, ट्रक को ही जाना पड़ा आगे और हमें बाद में जाना पड़ा हरियाणा रोडवेज को। तो गाइस बस ने अपना पहला स्टॉप लिया है पानीपत के बाद मुजफ्फरनगर में। यहाँ पे बस 20 मिनट के लिए रुकी, क्योंकि यहाँ पे लंच के लिए बस रुकी है। अभी हरिद्वार बचा है 80 किलोमीटर। मैं फेयर की बात करूँ तो पानीपत से हरिद्वार का जो फेयर है हरियाणा रोडवेज का, वो था 210 रुपीज़, मतलब 210 रुपये लगे हैं। और पानीपत में ज़्यादा कंटेंट बना नहीं पाया, क्योंकि जैसे ही मैं बस स्टैंड पहुँचा मैंने व्लॉग शुरू करा, इतने बस आ गई थी और निकलने वाली थी बस, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बैठ गया और
बस ना भाई फुल थी भाई फुल। मुझे पता है पेटी के ऊपर बैठ के आना पड़ा है आगे की साइड, क्योंकि मुझे आगे फ्रंट से व्यू दिखाना था इसलिए मैं आगे बैठ के आया था। लेकिन अब पहुंचे मुजफ्फरनगर, कुछ खाते हैं इधर से, और आप कमेंट करके बताना जर्नी कैसी लग रही है, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी बढ़िया बढ़िया जर्नीज देखने के लिए, ठीक है। और कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि आगे मैं कौन कौन सी जर्नी लेके आऊँगी। हाईवे चल रहा है साइड में, ये कंपनी अपनी हरियाणा रोडवेज का जहाज। लेकिन फिलहाल कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस हमें ढाबे के भारी जूस वाले भैया मिल गए, दो ग्लास बना दो भैया, ठंडा है ना? तो गाइस बिल्कुल ठंडा ठंडा पिए, यहाँ पे बर्फ पिए। गन्ने का जूस आ गया अपना, एकदम ठंडा ठंडा, डिहाइड्रेशन के लिए पीता रहना चाहिए गर्मी में। बस भी चलने वाली, मतलब 15 मिनट हो गए, 5 मिनट ही है, जल्दी जल्दी पीते हैं और चलते हैं ढाबे पे अपना, वहाँ से कुछ चिप्स ले लेंगे और बस में बैठ जाएंगे और आपको आगे के नज़ारे दिखाएंगे, फुल पूरे रास्ता दिखाएंगे। भाई हरियाणा रोडवेज की जो स्पीड है भाई, एंड लेवल स्पीड है भाई। तो गाइस बस चलने को तैयार, मैंने एक ले लिया चॉकलेट मिल्कशेक, गन्ने का जूस तो पी लिया था लेकिन लिक्विड हो जाए थोड़ा, थोड़ी अंदर जान आएगी तो अच्छी वीडियो बनेगी, ठीक है। बस चलने के लिए तैयार, सफरनामा स्टार्ट होता हुआ हरिद्वार की ओर चलते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, देखो भाई ठीक। तो गाइस वेलकम टू हरिद्वार, कुंभ सिटी लिखा आ गया था लेकिन अभी भी हरिद्वार 60 किलोमीटर बचा था। अभी हम रुड़की भी नहीं पहुंचे थे लेकिन काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ था। टाइम हो गया 3 और अपन हरिद्वार यहाँ से बचा है 30-35 किलोमीटर बचा है, मतलब 1 घंटे का रास्ता। और मैंने कहाँ बैठा हूँ भाई, पेटी के ऊपर बैठा हूँ कि हमें व्यू दिखाना है ना बाहर का, मतलब फुल रास्ता दिखाते हुए जाना है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब, मेरा गेट हवा भी आई है, ठंडी तो नहीं गर्मी गर्मी है, बाहर का नज़ारा दिखाते हैं हरिद्वार को। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हरिद्वार, ये पीछे आपको दिख रही होगी हरियाणा रोडवेज की बस, इसी बस पे अपन आए, पहुंच चुके हैं भोले की नगरी, देवनगरी, कुंभ सिटी, बहुत सारे नाम है हरिद्वार के। तो भाई ठीक है, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा, आप बहुत बताना कमेंट करके कि आप कैसा लगा सफ़र। इस बस पे अपन आए थे अभी, ठीक है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा सफ़र, और सजेस्ट करो यार आगे आगे आपको कौन कौन सी बस जर्नी चाहिए, ट्रेन जर्नी चाहिए, क्या क्या चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट लाइक शेयर सब कुछ कर देना, ज़्यादा शेयर भी करना। मिलते हैं गाइस आपसे नेक्स्ट जर्नी में, अच्छी लगे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताना और सजेस्ट जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।